स्विच कर दिए। अब बताइए जो इंटरलॉक ऑपरेट हो गया अंदर में, एसी का हो गया अभी लग गया, खुला वाला खुल गया, खुल गया, कॉन्ट्रेक्टर इनर्जाइज हुआ, कॉन्ट्रेक्टर इनर्जाइज हुआ, इंटरलॉक जो ऑपरेट हुआ तो अंदर में एसी का हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एसी ओपन हो गया, एसी ओपन हो गया तो जो क्लोजिंग में इनर्जाइजिंग पास बन रहा तो क्या हो गया, बिगड़ गया ना, दीजिए बंद होगा आप तो तरवा घुमा के बंद लपेट दीजिए, इसको जब फेच करेंगे सर थोड़ा प्रेस करके 18 को लगाएंगे तब दीजिए बंद करना पड़ेगा, मिडिल लॉक का हो गया, असिस्टेंट साइड में रिले पैनल, और ड्राइवर LSDJ, LSDJ, LSCHBA, LSGR, LSGR, LSRSI, LSB, LSP NR हो गया। क्या बोले अभी जब बैटरी ऑन करके BL अनलॉक करेंगे तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और उसके बाद इधर चार नंबर, ये चारों अपने का होगा, जल जाएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, बीपीटी दबाएंगे तो दवा के हम टेस्ट कर सकते, बीपीटी स्विच लगा हुआ है यहाँ पर दवा के चेक करने के लिए, दबाएंगे तो ये दोनों जल जाएगा। अच्छा। छह लैंप का जलना श्योर कर लेंगे, जल रहा है कि नहीं, स्टार्टिंग बीपीटी नहीं, इसमें ताला नहीं खुलेंगे, ये ऑपरेट नहीं होगा, सिर्फ यही वाला है वो जलता रहेगा जब तक डायनेमिक ब्रेक यूज करें तब ये बुझ जाएगा, ये वो हमेशा जलता है कुछ गाड़ी चलाने के लिए, ये सब क्या है, लाइटिंग का ये सब ऑपरेट होगा, सब मार्कर लाइट का हो गया, हेडलाइट फ्रंट, हेडलाइट रियर, हेडलाइट डिमर, उसका अंदर कंपार्टमेंट लाइट हो गया, रेड मार्कर लाइट हो गया, हीटर का हो गया, ये सब ऑपरेट होगा। देखिए एडिशनल BLRD है, सभी BLRD क्या करेंगे सर, दबाएंगे चार सेकंड, फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे चार सेकंड, फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये तो NR है, हाँ NR है, ये आपका इंडिकेशन लैंप हो गया, अब ये डीजे का है, डीजे बंद रहेगा तो क्या रहेगा, बुझा रहेगा, डीजे खुल जाएगा तो सामने का होगा, जल जाएगा, बैटरी ज़्यादा काम रहा कर रहा थी बुझा हुआ है, बैटरी ज़्यादा फेल होगा तो जल जाएगा, जीआर अगर जीरो पर रहेगा तो जलता रहेगा, जीरो अगर वहाँ कोई नोच पर रहेगा तो क्या रहेगा, ही बुझा रहेगा, अब आपका LSRSI ब्लॉक में कोई डायोड पंचर कर जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा, उसके बाद LSB ये कह रहे हैं बुझा हुआ रहेगा, MP जो को जब आगे करेंगे आपके चलने के अनुसार रिवर्सल CTF सब सेट हो जाएगा, दिखा होगा बुझ जाएगा, उसके बाद LSP व्हील स्लिप होगा तो ये आपको जलेगा, तरह से बुझा हुआ रहेगा, ये मल्टी का है, ये डायनेमिक ब्रेक का है, स्टैटिक कन्वर्टर का है, और ये चेन पुलिंग होगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर जल जाएगा तो आपका बत्ती का होगा, जल जाएगा, BP गिरेगा, चेन में कोई साइन मिलेगा, कोई साइन मिला मैं LSH में जल गया, इसका मतलब बैटरी चार्जर फेल, तो किसका फेल, दो लोगों ने है, दोनों तो साथ में अगर EV जल गया तो पिछला का फेल, अगर ये नहीं जला तो अगला, अब LSDB डायनेमिक ब्रेक का होगा, और ये स्टैटिक कन्वर्टर का है, आर लोगों में बत्ती नहीं रहेगा, गाड़ी चला रहे हैं कहा था कि MP फेल कर गया, तो देखिए नोज BP नोज बढ़ाने के लिए, BP या नोज घटाने के लिए, चाहे तो BP दबा जल्दी BP चार्ज होगा, ESW के ऑटो फ्लेशर लाइट रिसेट, BP चेन पुलिंग हुआ कोई कारण हुआ, BP गिर गया और फ्लेशर जल रहा है, ये देख रहे हैं कि सामने वाले एंड में कोई प्रॉब्लम, नोच कहते हैं सर, क्या है, घुमा देंगे तो पीछे, पिछला दो करेंगे तो क्या होगा, आगे वाला, अब स्विच ZPT है, इसका पोजीशन क्या है, तीन गो, और इसको स्विच को घुमाने के लिए क्या चाहिए, चाबी चाहिए, MPJ क्या है, स्विच है, इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए, हमको चाबी चाहिए, एक पकड़ देंगे घुमा के इसको आगे गाड़ी चलेगा, हाथ पकड़े तो कहाँ चलेगा, पीछे चलेगा, ये रिवर्सल आगे रहेगा, MP आगे रहेगा इन पर, तब ये ऑपरेट होगा, तो लॉक है इसका, क्या हुआ, जीरो पर है, एक दो तीन चार, मतलब इसका पांच पोजीशन है, जीरो पर तो नॉर्मल हो गया, जीरो पर नॉर्मल हो गया, कोई सेंटिंग नहीं लिए हुए हैं, सेंटिंग तभी लेंगे ना जब इन पर रहेगा, इन पर रहेगा, इन पर कब जाएगा, जब चाबी में MP जो आगे करेंगे तब, चलाते थे UA मीटर, ये आपको बताएगा OHE का वोल्टेज, दो कैलिब्रेशन किया हुआ है, इधर वाला OHE बताएगा, इधर वाला क्या बताएगा, आर्नो का बताएगा, आर्नो का वोल्टेज, के के नीडल है, दो को कैलिब्रेशन किया हुआ है, इधर जो लिखा हुआ 0 5 10 OHE का बताएगा, बोले तो थे कि क्या था, दो वोल्ट मीटर TM5 से जुड़ा है, TM6 से जुड़ा हुआ है वोल्टेज बताने के लिए, और TM4 से जुड़ा हुआ है A4, ये हो गया आ मीटर करंट बताने के लिए, तब गाड़ी चलाएंगे तो ये दोनों आप ट्रैक्शन मोटर को कितना वोल्टेज दे रहे हैं वो दोनों वोल्टेज बताएगा,
का बताएगा, करंट बताएगा, करंट बताएगा। तो इस टीएम किसे जुड़ा हुआ है, टीएम फाइव, टीएम सिक्स, आई टीएम फोर, एफ टू में क्या हो, फोर फाइव सिक्स। आइए आपका ओएसी का वोल्टेज बताएगा, आरनो का, तीन आरनो नहीं है, एसआईबी है, एसआईबी का बताएगा, एसआईबी का वोल्टेज बताएगा। दो ए कॉक, दो ए ठीक है, दो किसका रहेगा, ए नाइन का, दो रहेगा ऐसे रहेगा, चार गो इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग वाइट गोइंग, और सबका ऊपर है नीचे। तो वर्किंग करने का रहेगा, चारों खुला रहेगा, अंदर वर्किंग का रहेगा बंद रहेगा, चारों चारों। तो इसका पोजीशन हमेशा यही रहेगा, ये बंद है ना, बंद है ना, इसका पोजीशन पीछे का लोकेशन एलपी के पीछे से कितनी, कैब वन से एलपी के पीछे कॉरिडोर वन, कैब वन से एलपी के पीछे का कॉरिडोर टू, हम लोग कहा कॉरिडोर टू में, ये लोकेशन बताया था कैब टू, यहाँ शुरू होगा एसटीसी, कैब टू के पीछे का लोकेशन। तो कैब टू के पीछे क्या लगा हुआ है, स्टैटिक कन्वर्टर, अगर स्टैटिक कन्वर्टर नहीं रहता तो क्या रहता यहाँ पर, आरनो रहता, इसमें जो है कैब टू के पीछे रहता है आरनो। आइए मैं स्टैटिक कन्वर्टर देखिए, आरनो की जगह पर ये स्टैटिक कन्वर्टर यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पर आरनो रहता है, वो स्टैटिक कन्वर्टर नहीं रहता। उसके बाद हो गया ये जो हो गया आपको एमबीएमटी टू, और एम बी एम टी टू के काम की जांच करेगा, रिले देखे साथ ही लगा होगा इसका, क्या है उधर देखो तो रखे मोटर का रिले, ये देखिए यहाँ पर साथ ही लगा हुआ है यू बी एम टी टू, अब देखो जाकर वहाँ धीरे बक्सा सामने सर लगा हुआ ना, ये हो गया एम बी एम टी टू, हो गया क्यू बी एम टी टू, आई हो गया आपका न्यूमेटिक पैनल, मतलब डीजल में 3x4 को, हां 3x4 तो न्यूमेटिक पैनल है जो इलेक्ट्रिक डीजल लोको में है, वही यहां पे वही सेम है, 3x4 हो गया सर, हैं ये 3x4, हां डीपी चार्जिंग को, जी 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 नीचे वाला 3x4 तो ओपन कंडीशन है, हैं तो ओपन रहेगा ना, क्या रहेगा, बंद रहेगा क्या, हां गाड़ी में 3x4 रहेगा, 3x4 बंद दीवार पर, डेट लोको में तो बंद, वो देख रहे हैं एक VPT2 पीला वाला, इधर से जाएगा ना बाएं से पहला VPT2 है, VPT2 लिखा हुआ भी है, हाँ VS4 हाथ रखिए बजा करके, पहला हाथ रखिए, हाँ वो VPT2 हो गया, वो है जब पेंट है एक कैप टू के पीछे का लोकेशन यहाँ तक हो गया, यहाँ तक उसके बाद हो गया एसटीसी, एसटीसी में जाना है, यहाँ पीछे आप जो एम पी जो स्विच से बिजली दे कहाँ देंगे, इस इलेक्ट्रो बल्ब में देंगे, अच्छा ये ऑपरेट करेगा, ऑपरेट इलेक्ट्रो बल्ब को जब बिजली मिलेगा तो हवा का रास्ता क्या करेगा, ये खोल देगा, इसके पास देखे हवा का रास्ता पहुँचा हुआ पाइप, देखिए इस पाइप से पाइप से हवा पहुंचा हुआ है, जहाँ एनर्जाइज होगा हवा का रास्ता खोल देगा, तो क्या करेगा, ये ऊपर सेट कर देगा, ये क्या करेगा नीचे सेट कर देगा, अभी देखिए हाथ से करेंगे नीचे चला गया, ये कैसा लगा नीचे चला गया, हाँ जी, और इस बल्ब को सप्लाई मिलेगा तो कहाँ चला करेगा, ऊपर देगा, ऊपर कर देगा इसको, जी 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 ऊपर चला गया, तो ये हो गया रिवर्सर, आइए रिवर्सर में क्या हुआ, फॉरवर्ड और रिवर्स इलेक्ट्रो बल्ब, आइए देखिए सर्वो मोटर, ये सर्वो मोटर ये इलेक्ट्रो बल्ब में जाए होगा तो हवा कहाँ मिलेगा, सर्वो मोटर में, और सर्वो मोटर क्या करेगा, इसको ऊपर सेट करेगा, इसको मिलेगा तो क्या करेगा, सर्वो मोटर हवा जाएगा, क्या करेगा नीचे सेट कर देगा, आरजीआर सर, अरे भाई जोड़ और रिवर्स सेट करेगा, इलेक्ट्रो बल्ब हो गया, ये हो गया सर्वो मोटर हो गया, ये CTF हो गया, देखिए अब इसको देखिए बताएंगे जो सर्किट में वहाँ रिवर्सर का इंटरलॉक, ये क्या हुआ मोबाइल कॉन्टेक्ट, ये क्या हो गया फिक्स कॉन्टेक्ट, इससे होगा हाई वोल्टेज हाई करेंट ट्रैक्शन सर्किट का, और इसके ड्रम को ऑपरेट होने से जो मेन कॉन्टेक्ट ऑपरेट हो रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ऑपरेट हो रहा है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट सब इसमें बंद किया हुआ है जिसको इंटरलॉक लिखेंगे,
तो इसमें क्या बहेगा, इंटरलॉक्स होगा, बैटरी का करंट, ऐसे बहेगा ट्रैक्शन सर्किट का करंट। तो इसका यह पार्ट हो गया मेन कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट चाहे इंटरलॉक, दो को इलेक्ट्रो बल्ब आए गो सर्वो मोटर। ये सी टी एफ जो हो गया, देखिए सी टी एफ इसका भी दो इलेक्ट्रो बल्ब है, एक ऊपर सेट कर देगा ट्रैक्शन साइड में, और ये कहाँ सेट कर देगा नीचे ब्रेकिंग साइड में, चला कहाँ चला गया ये ब्रेकिंग साइड में, दो इलेक्ट्रो बल्ब है, एक वो सेट कर रहा है ट्रैक्शन साइड में, वो सेट करने वाला ब्रेकिंग साइड में। तो ये मेन कॉन्टैक्ट ही बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ बन रहा है क्या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो इंटरलॉक होगा यहाँ पर बंद, उसको काम से अलग करके एच क्यू पी टू क्या करेंगे ऑफ करेंगे। देखिए एच क्यू पी टू यही है, इसको क्या करना है करें इसे ऑफ कर देना है, क्यू पी टू काम से अलग। अब इधर देखिए एच टी सी टू में है लाइन ट्रैक्शन मोटर 5L6, तीन कॉन्टेक्टर देखिए L4 L5 ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 का लाइन कॉन्टेक्टर हो गया। ये तीनों कॉन्टेक्टर का है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है इसको, और ये तीनों पाइप गया यहाँ पर आके हवा रुका हुआ है, ये क्या है इसका इलेक्ट्रो बल्ब है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर का इलेक्ट्रो बल्ब होगा, तीनों पर देखिए इलेक्ट्रो बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर प्रेशर क्या है देखिए पहुँचा हुआ है इस पाइप से, इसको जहाँ बिजली देंगे हवा का रास्ता खोल देगा, तीनों का करेगा ठेक लगा देगा। बोले थे आपको सेंटिंग कॉन्टेक्टर लगता है, तो एक सेंटिंग रुचलेगा तो 6 गो लगेगा, सेकेंड पर 6 गो लगेगा 12 गो, और थर्ड पर 6 गो कै गो लगेगा 18 गो, तो 18 गो में 9 गो यहाँ होगा, 9 गो कहाँ होगा वहाँ होगा, एस टी सी 2 में 9 गो, एस टी सी 4 5 6, और 6 के बाद यहाँ देखे 3 गो 7 8 9, नीचे देखे 3 गो लगा हुआ है, देखो ये 3 गो 9 गो हो गया, और 9 गो वहाँ एस टी सी 1 में कै हो गया 18, ये 18 गो क्या हो गया सेंटिंग कॉन्टेक्टर, टोटल लिखा थे 12 गो ना, तो AWB4 में, AWB4 में क्या सेंटिंग रूच लगता है पैसेंजर में 4 गो, AWB4 लोको में क्या लगता है 4 गो, तो 6 6 24 नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रो बल्ब है, आप बिजली देंगे इलेक्ट्रो बल्ब में जायज होगा, हवा पाइप पहुंचा हुआ है, हवा का रास्ता खुलेगा, ये सब क्या होगा लग जाएगा। तो एक सेंटिंग रूच पर 6 गो लगेगा, दूसरा पर 6 गो 12 गो, तीसरा पर 6 गो 18 गो, 18 गो लगता है मालगाड़ी में। आज जितना आपका देख रहे हैं कि सेंटिंग कॉन्टेक्टर है या लाइन कॉन्टेक्टर है या रिवर्सल या सीटीएफ है, सब कुछ इसी प्रेशर पाइप से पाइप आ रहा है, देखिए ये प्रेशर पाइप, इसी में कॉक लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ही ईपी कॉक, उन कॉक बंद कर दें कोई काम होगा यहाँ पर नहीं होगा, वह ईपी कॉक होंगे। देखिए SJ कॉइल क्या करता है, क्या बताया सब बताया हुआ, पढ़िया कितना पता चले इसमें आने के लिए। सर पहले तो यहाँ दरवाजा ठंडा करने के लिए मोटर देखे लगा हुआ है MBSI2 नीचे, और उसकी काम की जांच करने के रील लगा हुआ QVSI2 फालतू का कहिएगा तब किस, ये सिगारा लगा R11 सर्विस में, कौन सी बता संटिंग रेसिस्टेंस कौन कहाँ पर Q20 रिले वोल्टेज रिले 465 QD1 यहाँ हो गया, QD2 हो गए एच टी2 में है, QD2 QD1 तो वहाँ होगा, हाँ ये लोकेशन हो गया एच टी2 145 ठीक है, 645 पे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है, इसका क्या इलेक्ट्रो बल्ब है, ये इलेक्ट्रो बल्ब है, इसको बिजली देंगे हवाई दे देगा और लग जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है। आरबी के समय ट्रांसफार्मर जो यूज होता है ATFEX ठीक है, टू नीचे है और उसका ब्लोअर MBSL2 देखिए STC2 में है, इसका काम की जाँच करेगा, देखिए इसी में लगा होगा रिले कहीं होगा, देखिए पूरा ही साइड में वो, देखिए काम की जांच करने का रिले MBSL2 QVSL2 रिले QVSL2 रिले का नाम QVSL2 खड़ा हाईवे करेगा सब बात। हां तो कुछ ये GL हो गया, इसी के दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में 33 टेप बना हुआ है, जो इनर सर्किल पर क्या बताए थे इवेंट टेप, आउटर सर्किल पर आउट टेप, ये बना हुआ है, ये पूरा टेप सब तेल में डूबा हुआ है, तेल का लेवल देखने के लिए देखिए गेज लगा हुआ है। अच्छा इसी को देखने के लिए इधर से देख सकते हैं ना, ठीक है
जीएल हो गया ग्रेजुएटर, ग्रेजुएटर या टैप चेंजर निकलता है सर, नए पेन का भी नहीं है, हां शीशा लगा हुआ शीशा ठीक है। एक ग्रेजुएटर को अंदर टैप चेंज कर घुमाने के लिए लगा है सर्वो मोटर जीआर, इस जीआर का ये हुआ एसएमजीआर, जीआर का सर्वो मोटर जीआर हो गया, क्या हो गया एसएमजीआर, एसएमजीआर जीआर को जब नहीं घुमा पाएगा खराब हो जाएगा तो देखिए वो सॉफ्ट वहां बना हुआ है जो बाहर से एसएमजीआर का सॉफ्ट, जीआर का सॉफ्ट है सॉफ्ट हो गया ठीक है। अब देखिए सीजीआर वन सीजीआर टू सीजीआर थ्री जी, सीजीआर वन सीजीआर टू सीजीआर थ्री जो बताए थे आउट नोज पर सीजीआर वन लगेगा, एवेन नोज पर का टू और थ्री दोनों लगेगा, अब बिटवीन नोज पर ओनली टू लगेगा ठीक है। और एक कॉन्ट्रेक्टर है पर आर्चूट है अंदर में लगता है, और उसके बाद देखिए ए हो गया आर जी आर, आर जी आर ए ठीक है, आर जी आर हो गया नीचे बैठ के देखो यहाँ पर एक ट्यूब होगा हरा रंग का यहाँ पर ए ए देखिए आर पी जी आर, एस टी वन हो गया ना सर, नहीं एस टी टू में अवेलेबल है अच्छा हरा है सर, हरा रंग का है आर पी जी आर, आर पी जी आर ये ट्यूब है ना, ये हो गया आर पी जी आर परमानेंट रजिस्टर ठीक है। डीजे आर डी ठीक है। अब देखिए आर डी जी बाहर गया, ए प्रेशर यहाँ पर पहुँच गया ठीक है, इसी के अंदर जो बार बार हम लोग पढ़े एम टी डीजे क्वाइल इसी के अंदर में है, पर डीजे भी एक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है, उसको हवा देने का जो इलेक्ट्रो वाल्व है तो उसका क्वाइल एम टी डीजे कहाँ पर है, इसी में है, उसको बिजली मिलेगा देखिए यहाँ से हवा मिलेगा, यहाँ से बिजली मिल जाएगा, हवा का रास्ता खोल देगा, ऊपर प्रेशर जाएगा डीजे को बंद कर देगा, तो हो गया डीजे चेंबर का कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होगा तो फैलेगा, तो फैल के आकर यही उसको जगह देगा, उसमें नंबर भी दे दिया हुआ जगह देगा, और वो तेल का लेवल कहाँ तक फैल के बढ़ा हुआ है नंबर के सामने गेज लगा हुआ है जो कॉरिडोर से आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ब्रीदर वाल्व, ब्रीदर वाल्व हवा का सिलिका जेल, सिलिका जेल पत्थर भरा होगा उसका नाम है सिलिका जेल, अबे ब्लू कलर का होगा, हाय ब्लू ये तो यहां पर भी है ब्लू सर, हां तो है सिलिका जेल का कहता है सिलिका जेल जी, और रंग उसका क्या हो जाएगा पिंक, ओ ब्लू से बदल जाएगा, हां बदल जाएगा समझेगा पूरा सिलिका जेल मास्टर ऑब्जर्व करके खराब हो चुका है, उसको फिर बदलना पड़ेगा, तो सेट में बदलाएगा ना सर, आपको बदल के वही तो जी, ये सर हैंडल है तो यहां लगा हुआ तो बता रहे अभी रुके ना है, ऑन है, ऑन है, अगर इसको चाबी अभी नहीं देगा ये स्विच ऑन एसएम चाबी नहीं देगा, 3 बजे करना होगा, स्विच एसएम जेड एसएम जीआर कर दे 3 बजे स्विच का हो गया ये ऑफ, अब जेड एसएम जीआर स्विच का हो गया ऑफ, एसएम जीआर काम से का हो गया अलग, अभी आपको चाबी दे देगा आ गया अच्छा, अब यहां पर लगाइए इसको एसजीआर जी, ये लॉक टूटा हुआ है अब यहाँ पर लगा दिए, हाँ तो इसी को घुमाना है नोच लेते हैं, हाँ, हाँ, 0.3 ठीक है, अभी जो है इसी को 0.6 सेकंड में चक्कर का तरह से लगा देते हैं, ये तो हो गया वो बस एक ही मरते में, अब जितना नोच लगाना चाहते हैं ओ, एक एक चक्कर में 32 तक यहाँ एक नोच आ गया, अब जय नोच लेंगे इसे घुमाते नहीं है, जय नोच घुमाए तो चक्कर देगा, अभी देखिए 10 नोच ले लिए जी, घुमा के देखिए हल्का है कि नहीं, एकदम हल्का है बाबा का ठीक है, 6 बजे हो गया सर, ये देखो जेड ए होगा जेड एसएमएस स्विच जी, जेड एसएमएस, जेड एसएमएस जीरो पर है तो अभी आप एमपी से भी गाड़ी चला सकते हैं, बीपी पे भी चला सकते हैं, और इसको एक पकड़ देगा तो वाली एमपी से चलेगा और बीपी पे से नहीं चलेगा, तो जेड एसएमएस जेड एसएमजीआर, एसएमजीआर को एमपीएस हो गया जी सर, ट्रांसफार्मर टैंक नीचे वाला तेल खींचा उसको अच्छा, इस पाइप से कहाँ भेज दिया रेडिएटर, देखो रेडिएटर हो गया उसको भेज दिया जी, तो इसका काम है तेल खींचा और भेज दिया रेडिएटर में, अगर तेल भेज रहेगा तो इसी के सर्कुलेशन से देखिए क्यूपीएच एमपीएच के साथ लगा हुआ क्यूपीएच, एमपीएच हो गया क्यूपीएच हो गया रेडिएटर हो गया, ये देखिए एमबीआरएच एसटीसी 1 ना हो गया सर, अभी हम लोग यहाँ तक ये जो खड़ा है ना यहाँ तक एसटीसी 2 है, इधर एसटीसी 1 है, यहाँ तक एसटीसी 2 है ठीक, ये बाउंड्री है जी जी जी, अब ये देखिए ये हो गया एमबीआरएच, ये देखिए एम बी आर एच चलेगा तो हवा क्या करेगा खींचेगा, किससे होकर रेडिएटर से हो करके उसी से खींचेगा हो करके, उसमें तेल गया तेल ठंडा हो जाएगा, और हवा क्या करेगा ऊपर की ओर क्या करेगा फेंक देगा, ये आर पी एस है आर पी एस बॉक्स, इसी में 6 आर पी एस रखा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर वाल भी ठंडा हो गया और आर पी एस पर ठंडा हो तो तेल ऊपर हवा के ऊपर की ओर क्या हो गया चलेगा, एम बी आर
चेक कर लीजिए, देखो यहाँ क्यू भी आ रहे हैं, ठीक है। आरएफ बॉक्स, आरएफ को ठंडा करने के लिए एक लगा हुआ एम बी आरएफ, ये देखिए एम बी आरएफ नीचे है। मेरा मोबाइल हो गया डिस्चार्ज, लाइट दिखाइए तो। आरएफ हो गया, एम बी आरएफ हो गया, ठीक है।